तो अगर आप मेडिसिन एज अ करियर परस्यू कर रहे हो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर करियर, और अपने आप को ये पूछना है कि आपको एक्चुअल जेन्यून रियल डॉक्टर बनना है जो प्रैक्टिस कर सके, जो काम का डॉक्टर है, या फिर सिर्फ नाम की डिग्री चाहिए। दिस इज अ क्वेश्चन विच यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, बिकॉज अब जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आ गए हैं, थिंग्स हैव कम्प्लीटली चेंज। ओके, इन्होंने बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाए हैं, एमसीआई को अबॉलिश कर दिया है, नया एनएमसी आ गया है, और एक ही चीज उनको चाहिए, वो है हाई क्वालिटी डॉक्टर्स। तो जब तक ईच एंड एवरी स्टूडेंट डज नॉट पास दिस लाइसेंस एग्जाम, ही और शी विल नेवर बी अलाउड टू यू नो वर्क इन अ हॉस्पिटल और यू नो ज्वाइन अ क्लिनिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो डू यू रियली वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, येस और नो इज अ क्वेश्चन विच यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। जैसे ही आपका ग्रेड 10 का एग्जाम होता है, तो आप सबको पता होता है कि नीट यूजी कोचिंग करना पड़ेगा, तब जाके एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। एम आई राइट? तो फिर जब आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो, तो क्यों ये सीरियसली बात समझते नहीं हो कि डे 1 से अगर हमने लाइसेंस एग्जाम की प्रेपरेशन नहीं की, तो वी विल नेवर बिकम अ लाइसेंस डॉक्टर। इवन इफ आई स्टडी इन अ गवर्नमेंट और अ प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया, आई स्टिल हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशंस। तो ये मिसकंसेप्शंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में है कि दिस एग्जाम इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग अब्रॉड। नो, नाउ दिस एफएमजे एग्जाम विल बी एबॉलिश्ड, नीट पीजी विल बी एबॉलिश्ड, ओनली वन कॉमन एग्जाम विल बी देयर विच इज नेक्स्ट। तो चाहे आप इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ो, प्राइवेट में पढ़ो, और यू स्टडी अब्रॉड, डजंट मैटर, एवरी स्टूडेंट हैज टू राइट अ ग्लोबल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कॉल्ड एज नेक्स्ट। इफ यू क्वालिफाई योर नेक्स्ट, दैट्स व्हेन यू डू योर यू आर अलाउड टू वर्क एज एन एमबीबीएस। इफ यू हैव अ गुड रैंक इन नेक्स्ट, दैट्स व्हेन यू गेट द पीजी सीट। सो डू नॉट बी इन अ मिसकंसेप्शन दैट नेक्स्ट इज ऑप्शनल, इट इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु गो अब्रॉड। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, व्हाट इज द रियलिटी वेर अ लाइसेंस एग्जाम हैव टू बी गिवन? ठीक है, अगर लाइसेंस एग्जाम इंडिया के बच्चों ने नहीं दिया, सिर्फ जो बच्चे अब्रॉड जाते थे उन्होंने लाइसेंस एग्जाम दिया है, तो जब लाइसेंस एग्जाम आती है, क्वालिफाइंग एग्जाम आती है, तब आपके साथ चैलेंजेस क्या रहती है ये समझ लो। व्हेन 100 स्टूडेंट्स राइट अ लाइसेंस एग्जामिनेशन, हाउ मेनी एक्चुअली बिकम अ डॉक्टर? अगर हम एवरेज करें पिछले 8 साल की, तो ओनली 20 स्टूडेंट्स आर बिकमिंग डॉक्टर, रेस्ट 80 आर जस्ट नाम के डॉक्टर। ऑलराइट, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस इश्यू। व्हाई? बिकॉज देर आर इन इंडिया करंटली 25,000 सच डॉक्टर्स हु रिटर्न फ्रॉम इंडिया, जस्ट हैव अ डिग्री, हैव नॉट क्वालिफाइड द लाइसेंस एग्जाम। इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन दे अप्रोच द गवर्नमेंट दैट येस वी वुड लाइक टू हेल्प एंड यू नो पार्टिसिपेट इन दिस वॉर अगेंस्ट कोविड। गवर्नमेंट सेड थैंक यू वेरी मच, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, सिंस यू डू नॉट हैव अ लाइसेंस वी डू नॉट वॉन्ट एनी ऑफ योर सर्विसेस। सो यू हैव टू डिसाइड, डू यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस 20% हु आर अ डॉक्टर, जेन्यून डॉक्टर, और 80% हु विल नॉट हैव अ लाइसेंस। सो लाइसेंस एग्जाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, एंड नोबडी इज गोइंग टू बी स्पेयर्ड आउट ऑफ इट। बट अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर गेटिंग इन टच विथ एनी एजुकेशन एजेंट, एजेंट्स विल यू नो डेफिनेटली लाई यू, बिकॉज एजेंट्स आर देयर हियर टू ओनली चीट यू एंड फ्रॉड यू। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एजेंट विल ऑलवेज से कि एमसीआई इम्पोर्ट नहीं है, आप चले जाओ, यू नो इट्स ओके, वी विल प्रोवाइड यू ट्रेनिंग, डोंट वरी। देखो पिछले साल जलालाबाद में 2 हफ्ते के लिए क्लासेस प्रोवाइड किए थे, तो फेसबुक पे बहुत अच्छा लगता है वो 2 हफ्ते का कार्यक्रम। इन रियलिटी यू रिक्वायर ट्रेनिंग फॉर 5 ईयर्स, ओके। यू रिक्वायर लॉग इन आई डी पासवर्ड्स टू बी गिवेन बिफोर यू डिपार्ट। यू रिक्वायर क्वेश्चन एंड आंसर पेशेंट केसेस फ्रॉम फर्स्ट ईयर। एजेंट बोलेगा वो फाइनल ईयर के बाद की एग्जाम है, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? दे आर नॉट वरीड वेदर यू बिकम अ डॉक्टर और नॉट, दे ओनली वॉन्ट द एडमिशन, दैट्स इट। एंड विच इज वाई यू नीड टू प्लान थिंग्स वेल अहेड इन योर करियर। एंड वेन आई से प्लानिंग, इट इज नॉट जस्ट अबाउट यू नो joining a program, it's about what exactly career do you have in mind. Medicine ye bahut lamba aur intense career hai. If you are dreaming only about MBBS, I don't think so you are
अटेंडिंग द राइट वेबिनार, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे प्लान करते हैं आइदर टू बिकम अ सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, डर्मैट, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑफ्थैल, प्लानिंग वहां तक की करनी है. इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ प्लेन एमबीबीएस माइट एज वेल डू नॉट यू नो स्पेंड सो मच मनी ऑफ योर पेरेंट्स. एक प्लेन एमबीबीएस की इनकम एक बीकॉम एमबीए बंदे जितनी ही रहती है, तो आप बीकॉम और एमबीए कर लो उतना ही पैसे कमा लोगे अगर प्लेन एमबीबीएस ही करना है तो. ओके, सो डोंट वेस्ट मनी ऑफ योर पेरेंट्स एंड सो मच यू नो वर्क सो मच हार्ड, नॉट रिक्वायर्ड. बट इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ जेन्यून स्पेशलिस्ट और अ सुपर स्पेशलिस्ट, देन आपकी प्लानिंग थोड़ी सी अलग होनी चाहिए. द ओनली रीजन वाई 20% स्टूडेंट्स सक्सीड इज बिकॉज उनको गेम प्लान पता है कि अंडर ग्रेजुएट कहां से करना है, एमबीबीएस कहां से करना है, पीजी कहां से करना है और सुपर पीजी, ये तीन अलग चीज होती है. एजेंट क्या बोलता है, अरे आप एक बार रशिया चले जाओ सब कुछ वहां से हो जाएगा, दैट इज इनकरेक्ट. आपको गलत किर्गिस्तान, गलत फिलीपींस, आप समझ रहे हो. सो दैट द रीजन ही डजंट केयर वेदर यू आर अल्टीमेटली स्टार्टिंग योर ओन क्लिनिक या किसी अस्पताल में काम करते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. सो ये तीन लेवल है आपके करियर के और एवरी लेवल पे चैलेंजेस है. सो आपको पता होना चाहिए एमबीबीएस कहां से करना है, पीजी और सुपर पीजी कहां से करना है. जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है उनको ये चीज सबसे पहले पता होती है, उन्होंने इतनी अच्छी रिसर्च कर रखी होती है कि एमबीबीएस करना है तो डेफिनेटली मेरा फर्स्ट एंड ओनली ऑप्शन रहेगा इंडिया, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज ओनली, नो सेकेंड डाउट अबाउट इट. By chance अगर गवर्नमेंट में नहीं मिला then only I will consider Russia, Ukraine, China, but only government colleges. Now you will tell me sir what's the problem with the private? There is no issue, but you imagine आप 1 crore रुपए दे रहे हो प्राइवेट कॉलेज को, okay? And I mean you can Google what kind of facilities that private college give, and if you don't clear the next exam, tell me what is going to happen with this money? Are you getting it? Paying 1 crore and not clearing the license exam, it's a big challenge. All right. Ab somebody is asking, sir, what about MBBS from US? So please understand, jo genuine program hai from either US or Canada, generally hota hai 8 years ka. Pehle 4 year BS, then ek exam hoti hai MCAT. Once you clear that, that's when you join the MD program. So it's a total 8 year program. An expenditure is 4 crore Indian rupees. Why would you spend that much money? But unfortunately, awareness nahi hoti hai. To logo ko ye agent ullu banate hai. So one of the fraud happening here is ki aapko US ka sapna dikhayenge. And kuch blacklisted islands hai. Kuch islands waise hai jahan par blacklisted institutions hai. Sare universities wahan par achche nahi hote Caribbean island mein. Barbados, Guyana, जमैका, जैसे इंडिया में मेडिकल काउंसिल है वैसे वहां के मेडिकल काउंसिल में जो ब्लैकलिस्टेड इंस्टीट्यूशंस है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया के बच्चों को यहां भेजा जाता है और यहां पर कोई फीस का फिक्स नहीं है. अगर आप बोलोगे मेरा बजट 30 लाख से, वो बोलेंगे ठीक है 30 दे दो. आप बोलोगे 80 लाख से, बोलो 80 लाख दे दो, क्योंकि अल्टीमेटली डिग्री की तो कोई वैल्यू नहीं. तो जितना भी पैसा आप दोगे बिटवीन 40 लाख टू 80 लाख, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू कैप्चर, बिकॉज ये तो ऐसे ही टाइम पास के लिए आपको पढ़ा रहे. डिग्री की तो वैसे भी इंडिया में वैल्यू नहीं, ठीक है. अब हम करेबियन में जो जेन्युइन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो मिनिमम 1 से 2 crore रुपए का उनका भी बजट रहता है, ठीक है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट एंड डू योर रिसर्च वेल. नाउ द क्वेश्चन इज, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है उनको पता है कि अंडर ग्रेजुएशन डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया से करना है, मगर इंडिया से पीजी करने में क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम इतना ही है कि इंडिया में सीट्स कम है. When 100 students apply for MBBS, only 10 get into MDMS and only 1 gets a seat to become a plastic surgeon or a cardiologist. So, सबसे बड़ा problem India में है, seats कम है. क्यों? Because almost 40% से ज्यादा seats तो कोटा में चली जाती है. Okay? इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो parents अपने students को government college India में MBBS के लिए admission दिलाते हैं, उनको 5 years बाद पीजी के लिए 1 crore रुपए तैयार रखने पड़ेंगे, वरना पीजी की सीट मिलेगी नहीं. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. अनदर थिंग, चलो 1 crore रुपए दे भी दिए मगर जो स्टाइपेंड मिलता है बहुत कम मिलता है पीजी के दौरान, बहुत कम. ये प्रॉब्लम कम थे क्या?
तो अभी इंडिया में आप लोगों में से बहुत जन ऐसे हैं जो नीट यूजी आपने दिया है, करेक्ट है, और बहुत लोगों के यहाँ पर ड्रॉप लगे हैं, करेक्ट है। एक नीट यहाँ पर दे दी, दूसरी नीट आपको ये लाइसेंस एग्जाम नीट पीजी थी, अभी वो नेक्स्ट एग्जाम हो गई, तो बहुत लोगों के यहाँ पर भी ड्रॉप ईयर आते थे। अब इतना कम था क्या कि अगर मुझे कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन बनना है तो 2 साल पहले गवर्नमेंट ने एक और नीट अनाउंस कर दी, नीट सुपर स्पेशलाइजेशन, मतलब नीट के ऊपर नीट, नीट के ऊपर नीट, आप समझ रहे हो। तो ये एक और एग्जाम देनी पड़ेगी अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, ये इंडिया का एक और प्रॉब्लम। सेम थिंग, अगर नीट क्लियर नहीं किया तो प्राइवेट में एडमिशन लो, करोड़ों रुपए दे दो, सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो उस वजह से क्या होता है, इंडिया में जो बच्चा पीजी करता है वो डज नॉट सेटल बिफोर द एज ऑफ 32, एंड गलती से कुछ उसने प्राइवेट कॉलेज से कर लिया तो मेनी इंडियन स्टूडेंट, अनफॉर्चुनेटली मेडिकल स्टूडेंट, हैव अ लोन ऑफ 1 करोड़ रुपीज ऑन देयर हेड एट द एज ऑफ 32। इमेजिन द प्रेशर ऑन देयर हेड, दिस इज द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, सो व्हाट इज द सोल्यूशन। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है वो एमबीबीएस इंडिया से करते हैं फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज, दे आर क्लियर कि डे वन से लाइसेंस एग्जाम नेक्स्ट, एंड एक और पीजी के लिए अमेरिका की एग्जाम है यूएसएमएल, इसकी तैयारी फर्स्ट ईयर से करनी है। नाउ यू विल टेल मी व्हाई, व्हाट इज द एडवांटेज। तो उसके 5 एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज अमेरिका से पीजी करने का, वहां पर ट्यूशन फी नहीं होती। सेकेंड एडवांटेज, यू गेट अराउंड 3 to 4 lakhs पर मंथ स्टाइपेंड। थर्ड एडवांटेज, आउट ऑफ एवरी 2 स्टूडेंट्स 2 IMGs 1 gets a सीट। फोर्थ, वहां पर किसी भी प्रकार का कोटा सिस्टम नहीं है। फिफ्थ, यहाँ पे जो यूएसएमएल की सीरीज ऑफ एग्जाम होती है, ऑन द सेम एग्जाम यू गेट एडमिशन इनटू रेसिडेंसी एज वेल एज फेलोशिप्स। तो बेसिकली यू आर सेटलिंग एट द एज ऑफ 27 विथ अ पॉजिटिव बैंक बैलेंस। तो ये सबसे बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके करियर का है कि यूजी कहाँ से करना है और पीजी की तैयारी फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस से करनी है। दिस ऑल ऑफ यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। आरुषि, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट पे एनी ट्यूशन फी, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट पे अ सिंगल रूपी, यू गेट सैलरी व्हाइल यू आर वर्किंग, यू गेट पेड 3 to 4 lakhs पर मंथ, एनुअल पैकेज इज 30-40 lakh rupees। हाउएवर, द क्वेश्चन यू आस्क्ड इज करेक्ट, डज एवरी इंडियन मेडिकल कॉलेज अलाउ यू, नो। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अगर आपको यूएसएमएलई की तैयारी करनी है। अगर आपको फ्री में पीजी करना है तो अपना रिसर्च अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज नॉट एवरी कॉलेज इज अप्रूव्ड इन अमेरिका। कैन यू बिलीव इट, आउट ऑफ 517 मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया ओनली 357 कॉलेजेस आर अप्रूव्ड। सो बाय चांस इफ यू गेट एडमिशन इन टू दीज कॉलेजेस, योर पेरेंट्स नीड टू बी रेडी विथ 1 करोड़ रुपीज, बिकॉज यू विल नॉट गेट अ फ्री पीजी ऑप्शन इन अमेरिका। So when you choose a medical college in India or abroad, check whether that college has a recognition or not. ये बहुत जरूरी है, कॉलेज सही है, recognized है कि नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कॉलेज recognized है कि नहीं? सिंपल है, वर्ल्ड डायरेक्टरी पर जाइए, अपनी मेडिकल स्कूल ढूंढिए, चेक स्पॉन्सर नोट्स whether that column is empty या वहां पर Canada और US लिखा गया है। ये बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीजी फ्रॉम यूएस इज बेटर, एब्सोल्युटली आरुषि, एब्सोल्युटली पीजी फ्रॉम यूएस इज बेटर। ये इंडिया में भी आपको केयरफुल रहना है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिवर्सिटीज विच आर अप्रूव्ड कैसे पता चलेगा? तो जब आप वर्ल्ड डायरेक्टरी में जाओगे, अपने कॉलेज का नाम डालोगे, तो ये स्पॉन्सर नोट चेक कर रहा है, तो यहां पर लिखा रहेगा कैनेडा, नो प्रॉब्लम, US, no problem, then it is a genuine university. So you need to check the genuine universities which are approved in America for eligibility to write USMLE. जैसे यूक्रेन में है उमसा पोल्तावा, जैसे रशिया में है पिरोगोव, जैसे विटेक्स इन बेलारूस, alright? However, unfortunately, if you guys like to watch YouTube videos, if you guys get influenced by beautiful videos. वीडियो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत मजा आया। लास्ट वीक एक पेरेंट्स का कॉल आया था, फादर ने कहा बहुत हमें बताया गया नंबर वन यूनिवर्सिटी है, यहाँ जाओगे लाइफ बन जाएगी और यूएस के आपके डोर्स ओपन हो जाएंगे, यूक्रेन की नंबर वन यूनिवर्सिटी है। एंड जब फादर ने वर्ल्ड डायरेक्टरी चेक किया, ही गॉट अ शॉक ऑफ द लाइफ।
यूनिवर्सिटी इज नॉट अप्रूव्ड इन अमेरिका, बट यूट्यूब में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। फादर ने बोला, उनको बताया तो उन्होंने एक और नाम दे दिया, बोला जॉर्जिया चले जाओ, यहां चले जाओ। एक और शॉक लगा, वो यूनिवर्सिटी भी अप्रूव्ड नहीं। तो यह इस तरह के यूट्यूब पे स्कैम्स हो रहे। कैन यू बिलीव इट? यूक्रेन बोला वो अप्रूव्ड नहीं, दूसरी जॉर्जिया की बताई वो भी अप्रूव्ड नहीं। तो आपको अगर ऐसे यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो जहां पर ऐसे नाम आ रहे हैं, तो आपका बजट होना चाहिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद पीजी की सीट तो मिलने वाली है नहीं यूएस में, तो करोड़ रुपए तो ऐसे भी तैयार रखने पड़ेंगे आपको। तो बी रेडी विथ योर बजट ऑफ 1.5 करोड़, तो प्रॉब्लम नहीं, यहाँ चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नाम में अमेरिकन डाल दिया, दिस इज वेरी पॉपुलर इन साउथ इंडिया, तक्षशिला अमेरिकन यूनिवर्सिटी, एवरीबॉडी फील्स नाम में अमेरिकन है, लाइफ बन गया। सीधा रियलिटी, नॉट अप्रूव्ड इन अमेरिका। दिस इज वेरी पॉपुलर इन यूपी बिहार, ओश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान, नाम इंटरनेशनल, नॉट अप्रूव्ड इन यूएस एंड यू नो कैनेडा। कैन यू बिलीव इट? सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग गाइज। अगर आप यूट्यूब चेक करने बैठोगे तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। यूक्रेन में लवीव मेडिकल इंस्टीट्यूट, इफ यू आस्क एनीबडी व्हाट इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन, डेफिनेटली इट इज लवीव, बट नॉट द लवीव मेडिकल इंस्टीट्यूट। लवीव मेडिकल इज अ प्राइवेट वन, जो फॉल्स फ्रॉड एजेंट है वो आपको बोलेगा लवीव मेडिकल इंस्टीट्यूट नंबर वन है। इन रियलिटी देयर इज अ गवर्नमेंट वाला लवीव, दैट लवीव इज जेन्यून, नॉट दिस वन। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल, डू योर ओन रिसर्च। तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा, हमने रिसर्च किया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में, इंटरेक्शन विद फैकल्टीज, फीडबैक लिया। तो व्हाट वी कम टू नो कि अगर कोई भी कंट्री में एडमिशन लेना है, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीपल गेट मी एडमिशन इन अमेरिका। सो देन वी केम टू नो दैट अगर आप इंडिया में एडमिशन ले रहे हो और अगर फ्री में पीजी करना है, तो आपके ये कॉलेजेस ही होने चाहिए, बिकॉज जितने बच्चों को यहां से एडमिशन अमेरिका में मिला है, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री पकड़ ले तो उतने लोगों को नहीं मिला एडमिशन। सो डेफिनेटली अगर आप टॉप की बात करें तो इंडिया में एम्स दिल्ली, मैमसी ओस्मानिया, वर्धमान महावीर, बीजे मेडिकल, एमसी बरोडा, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज बॉम्बे, एएफएमसी पुणे, सीएमसी वेल्लोर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस आर सक्सेसफुली वर्किंग इन अमेरिका। सो समबडी वाज आस्किंग सर व्हाट अबाउट रशिया, रशिया का भी ये लिस्ट है। मैक्सिमम बच्चों को मिलता है फ्रॉम पिरोगोव, कजान स्टेट, क्रीमियन फेडरल और सेचेनोव, दैट्स इट। यूक्रेन का लिस्ट है पोल्तावा, लवीव गवर्नमेंट वाला, विनित्सा, बुकोविनियन, दैट्स इट। आर यू गेटिंग इट? सो बी वेरी वेरी केयरफुल, डू योर रिसर्च। करेबियन में अगर किसी को जाना है तो बजट क्लियर रखना। नंबर वन है एसजीयू, बट द बजट हैज टू बी 2.5 करोड़। सेकेंड इज रॉस, बजट हैज टू बी 2.5 करोड़। थर्ड इज एयूसी, बजट हैज टू बी 1.75 करोड़। एंड फोर्थ इज एवलॉन, 1 करोड़ बजट। इसके नीचे कोई फायदा नहीं है, करेबियन में जाओगे कोई फायदा नहीं है करोड़ रुपए देके, ठीक है? तो ये वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन विच यूनिवर्सिटीज, विच कंट्रीज यू आर कंसिडरिंग। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट वी एट मोक्ष विल गिव यू ऑल द ऑप्शंस, वी विल गिव यू ऑल द रिसर्च टूल्स, वी विल लेट यू नो हाउ टू मेक डिसीजन। अल्टीमेटली डिसीजन तो आपका ही है, यू आर द वन हु आर गोइंग टू मेक द डिसीजन, choice is yours. All right, so before I end my session, I want to make a quick announcement. We are doing a series where we are inviting top notch professors from the entire medical colleges across India. So tomorrow we have another great doctor on the Moksh platform, Ami. He is specialist in public health. अब जो कोरोना हुआ है, इट्स अ पब्लिक हेल्थ इश्यू। सो डॉक्टर अमृत स्वामी, ही बेसिकली इज अ कम्युनिटी मेडिसिन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, ही इज गोइंग टू कम टुमारो एंड एक्सप्लेन यू द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो डू नॉट मिस दिस सेशन, इट इज हैपनिंग टुमारो 7:30 PM। यू कैन आस्क योर काउंसिलर्स, दे विल गिव यू द लिंक, एंड डेफिनेटली वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम डॉक्टर स्वामी वॉट एग्जैक्टली MBBS में कम्युनिटी मेडिसिन होता है, और अगर कम्युनिटी मेडिसिन में अगर करियर बनाए तो कैसा रहेगा अपना करियर, कहाँ से करियर बनाना चाहिए। सो डू नॉट मिस दिस सेशन, अपने काउंसिलर से इसकी लिंक जरूर ले लेना कल के सेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो मोक्ष रजिस्टर्ड स्टूडेंट है दे ऑलरेडी विल हैव दिस लिंक्स इन देयर रिफ्रेशर कोर्स। आई एम श्योर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है मोक्ष के साथ, उनके पास तो ये रिफ्रेशर कोर्स है जहां पर ये सारी जानकारी और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का इंफॉर्मेशन आपके पास होगा। सो इफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइन द रिफ्रेशर कोर्स, नॉट अ प्रॉब्लम, यू विल बी अटेंडिंग मेनी मोर सच इंपॉर्टेंट बिग बिग डॉक्टर्स लेक्चर्स। इफ यू हैवेंट ज्वाइन इट, कनेक्ट विद द मोक्ष काउंसलर्स, दे विल लेट यू नो। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आई जस्ट वॉन्ट टू अगेन इन्फॉर्म यू बिफोर वी काइंड ऑफ यू नो एंड दिस सेशन। यू नो एमबीबीएस एक लंबा करियर है, ओके? इट इज यू नीड टू प्लान राइट अप टू पीजी, ओके? इट इज नॉट लाइक अ 100 मीटर रेस, इट इज अ मैराथन। एडमिशन कॉलेज में लेना ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। एजेंट आपको यही डिफिकल्ट कर देता है, बोलता है यहां पर एडमिशन ले लो, लाइफ बन जाएगी। इन रियलिटी चैलेंज तो उसके बाद स्टार्ट होती है। कॉलेज एग्जाम कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, लाइसेंस एग्जाम करोगे तो ही तो डिग्री मिलेगी, और अगर फर्स्ट ईयर से यूएसएमएल किया तब जाके आपको पीजी लाइसेंस मिलती है फ्री में यूएस में। तो ये करियर आपका अगले 8 से 10 साल का है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एनीबडी हैज, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। हाउ डस मोक्ष हेल्प स्टूडेंट्स? ओके, सो लेट मी क्विकली गिव अ लाइट ऑन दैट ऑल्सो। तो बेसिकली कैसा होता है, जो मोक्ष के साथ स्टूडेंट्स होते हैं उनको रियलिटी पता होती है। मोक्ष फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोर्स नहीं करता है, कोक्स नहीं करता है, मोक्ष आपको ऑप्शन देता है कि लाइसेंस डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना। अनफॉर्चुनेटली इफ यू गो टू एनी एजेंट वो तो कहेगा मोक्ष वाले तो आपको फोर्स कर रहे हैं, बिकॉज इट्स नेचुरल, दे डोंट हैव एनी सोल्यूशन। तो वो तो ऐसा ही बोलेंगे कि अंगूर खट्टे हैं, दे डोंट केयर वेदर यू बिकम अ डॉक्टर और नॉट। इन रियालिटी 1000+ डॉक्टर्स अक्रॉस इंडिया आर सक्सेसफुली बिकमिंग लाइसेंस फिजिशियन विद द हेल्प ऑफ मोक्ष। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? सिंपल है, दे हैव रियलाइज्ड सक्सेस का फॉर्मूला एक ही है, मेहनत फर्स्ट ईयर से करनी है, लास्ट ईयर पे कुछ नहीं छोड़ना। तो मो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट ईयर से पढ़ाई स्टार्ट होती है, थर्ड ईयर में बच्चे यूएसएमएल स्टेप 1 एग्जाम दे देते हैं, राइट आफ्टर फाइनल ईयर नेक्स्ट एग्जाम, और इंटर्नशिप के दौरान यूएसएमएल की बाकी की एग्जाम्स दे के क्लिनिकल रोटेशन करके अपनी रेसिडेंसीज अमेरिका में पाते हैं। तो ये प्लानिंग उनको पता है कि ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो 3 साल और वेस्ट होंगे लाइफ के, उससे अच्छा फर्स्ट ईयर से करो ताकि एक अच्छे डॉक्टर बनो, एक पेशेंट ओरिएंटेशन आ जाए। वेदर यू ज्वाइन अ मेडिकल स्कूल इन इंडिया और डजंट मैटर, आप कोई भी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करो, आपको सिर्फ जुड़ना है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विच इज डिजाइन फॉर ग्लोबल मेडिकल स्टूडेंट। इट्स द मोक्ष एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पर लाइव लेक्चर्स होते हैं, वीडियोज होते हैं, क्वेश्चन बैंक होते हैं, पेशेंट केसेस होते हैं, एंड द फोकस इज ऑन यू बिकमिंग अ लाइसेंस्ड फिजिशियन। तो सब बच्चों के पास एक अपना लॉग इन आईडी पासवर्ड होता है, वेयर दे कैन फ्रॉम डे वन अस्पायर टू बिकम अ लाइसेंस डॉक्टर, ताकि आप जो कॉलेज में थ्योरी पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन, हाउ एनाट इज कनेक्टेड टू सर्जरी, हाउ पैथो फिजियो फार्मा इज कनेक्टेड टू मेडिसिन, दैट इज वॉट मोक्ष अकेडमी टीचेज यू। एंड अवर एक्सपर्ट फैकल्टीज हैव बीन डूइंग दिस फॉर मेनी मेनी ईयर्स। डॉक्टर सक्सेना इज अ पास आउट फ्रॉम AFMC पुणे, 25 years, करंटली इज इन नेदरलैंड एंड टीचिंग अवर स्टूडेंट्स। वी हैव द बेस्ट ऑफ द फैकल्टी, डॉक्टर जोशी इज अ फैकल्टी इन मेडिकल कॉलेज इन फिलाडेल्फिया यूएस। डॉक्टर शर्मा ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम प्रेस्टिजियस जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। तो वी हैव अ मिक्स ऑफ फैकल्टीज हु हैव ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस इन टीचिंग यू, एंड करंटली 8 different कंट्रीज के बच्चे ये प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, कंसिडरिंग द टाइम जोन। मोर इम्पोर्टेंटली जब भी आप लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हो वीकेंड वीकडेज में, और फ्री टाइम जब होता है तो आपके पास कॉन्सेप्चुअल वीडियोज भी होते हैं। वेन एवर यू फील यू आर फ्री, यू कैन एक्टिव वॉच कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, अंडरस्टैंड थिंग्स, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, यू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, अंडरस्टैंड चीजों को, एंड वंस यू हैव of concepts you can always download notes, report if there are any mistakes, ask doubts. तो ये complete solution हर मोक्स के students के पास होता है, with test assessment,
with career library, with support of the top-notch faculties across the globe. And that is why it, you know, the Moog students are confident ki they are part of those 20% who actually become a doctor. ठीक है, तो यही रीजन होता है हमारे सक्सेस का और हमारे स्टूडेंट्स के सक्सेस का, बिकॉज दे आर सीरियस अबाउट बिकमिंग अ लाइसेंस्ड डॉक्टर. ग्रेट, सो आई होप यू नो नाउ यू हैव अ क्लैरिटी. एनी फर्दर क्वेश्चंस, एनी सपोर्ट और हेल्प रिक्वायर्ड, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर और दिस इज द हॉटलाइन नंबर. यस, लिंक फॉर द सेशन टुमारो, या यू कॉल अप ऑन दिस नंबर एंड दे विल गिव इट टू यू. ऑलराइट, और यू कैन कनेक्ट विद अवर काउंसलर्स एंड who gave you the link for the session today, wo aapko de denge, koi problem nahi. All right, so if there is a clarity, thank you very much for part of this session. I wish you all the very best for your counseling rounds. Do well and pick your university with a good research of your own. Suno sab ki, karo apni, achha research khud ka karo, and then take the decision, okay? Always take a decision at the right time, all right? Good. All the best and thank you very much, and I will see you tomorrow. Thank you, everyone. Thank you.